सब चीज़ें संभव है, मतलब कि ना सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपका बच्चा, आप चाहते हो कि हमें कल को अपना बच्चा आईपीएस बनाना है, आईएएस बनाना है, डीएसपी बनाना है, एसडीएम बनाना है, ये कभी मत सोचो कि यार मेरा बच्चा गरीब है या हम लोग। सबसे पहले तो लाइफ में ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो कि हमारे पास वो सुविधा नहीं है। मैं खुद बताता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास से मैं हमेशा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, पूरी जिसको बोलते हैं भरपूर गरीबी थी, कोई ऐसा नहीं मैं बड़ी रिच फैमिली से था, कुछ नहीं, सब कुछ अपने बलबूते पे खड़ा किया है। हर एक चीज़ जो भी मेरी लाइफ में, चाहे मैं आज डीएसपी हूँ या मेरे घर की स्थिति कुछ भी, मैंने अपने मुकाम पे ली है। पर सिर्फ बात इतनी है कि मेरे मम्मी डैडी को बड़ी नॉलेज थी, है ना, जैसे आप लोगों को होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को ले कर कहाँ जाना है, उसे हमेशा मोटिवेट करो। सबसे बड़ी बात होती है, मैंने गाँव में देखा है कि हम अपने बच्चों को ना डीमोटिवेट बहुत करते हैं, या थप्पड़ लगाते रहेंगे, पढ़ता नहीं तू नलायक है, ये कभी मत बोलो। आप जिस बच्चे को ऐसा हमेशा बोलेंगे ना कि तू नलायक है, नलायक, वो नलायक ही हो जाएगा। हमेशा मोटिवेट करो उसे, हमेशा बोलो कि तू बहुत अच्छा है, तू सब कुछ कर सकता है, पर तू ध्यान नहीं देता। ऐसा कभी नहीं बोलना कि तू नलायक है, उसको यही बात समझानी है कि तू सब कुछ है लेकिन तू ध्यान नहीं देता। ध्यान से सुनना, ये बातें आपके बहुत काम आएंगी। घर होता है ना हमारा, जब हम नींव निकालते हैं तभी डिसाइड हो जाता है कि ये घर कितने मंजिल बनेगा, मतलब इसके ऊपर 10 फ्लोर 5 फ्लोर कितना आप बनाएंगे। बच्चे नींव हैं आपकी, आप जैसा उनका बेस तैयार कर देंगे ना, उनका खाना पीना जो आप उसको बचपन से उसको शिष्टाचार या कुछ भी उसके दिमाग में डाल देंगे वो वैसा ही बनेगा। तो लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना है कि बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान देना। जब बच्चा 13 या 14 साल का हो जाता है उसके बाद आप कुछ भी कर लेना, फिर वो आपके हाथ नहीं आएगा। आपको बचपन से उसके ऊपर ध्यान देना है, हर एक चीज़ उसको बचपन से सिखानी है, बड़ों का आदर सम्मान, टाइम। और दूसरी बात, मैंने अपने गांव एरिया में देखी है, विलेजेस में, है ना, कि हम लोगों का जितना भी हमारा टाइम है ना, हम लोग अपनी लड़कियों के ऊपर बंदिश लगाते हैं, कहाँ गई थी, कहाँ से आई। हम लड़कों को कभी नहीं पूछते कि भाई तू कितनी देर बाहर था, कहाँ था, क्यों था। ये जितना आप अपनी लड़की के ऊपर पाबंद है ना कि टाइम से आना है, टाइम, इतना ही आपको अपने लड़कों के ऊपर होना चाहिए, तब जाके कोई फैमिली जीरो से हीरो बनती है। कोई एक दिन में आप ऐसा सोचेंगे कि कोई एक दिन में सब कुछ हासिल कर ले, ये कभी नहीं होगा। उसके लिए टाइम लगता है, दिन रात आपको एक करनी पड़ेगी अपने बच्चों के लिए। पर मैं ये आपको भरोसे से कह सकता हूँ कि हर कुछ जो भी आप इंसान सोचता है ना, वो सब कुछ कर सकता है, बशर्ते उसकी मेहनत कितनी है। आप पूछो अपने बच्चे से कि उसका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट है कि मैंने टीचर बनना है, तो उसको जो टीचर आपके गांव में होंगे, आपके नज़दीक एरिया में होंगे, उनसे मिलाओ। अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो स्पोर्ट्स वालों से मिलाओ। बच्चे के ऊपर ध्यान दो, टाइम दो बच्चों को। मैं गांव से ही हूँ, मैंने देखा है कि माँ बाप एक स्टेज पे आके अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं कि यार अब क्या करें। नहीं, अपने बच्चे को बचपन से ही बताओ कि तैने कल को या आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा प्लस टू करे और उसके बाद पूछे कि मैं क्या करूँ, कभी फिर वो आर्मी की तरफ दौड़ रहा है, कभी पुलिस की तरफ दौड़ रहा है। नहीं, बचपन से उसके दिमाग में फिट करके रखो कि तैने ये बनना है और तू ये बनना, इसके लिए ये मेहनत करनी है, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उनको बताया ही नहीं कि बनना क्या है। ये जरूर आप करके देखना अपने घर में, जिनके पास छोटे बच्चे हैं, 101% आप सक्सेस होंगे। कंपटीशन का ज़माना है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया धीरे धीरे। अभी से आप अगर ध्यान रखेंगे तो 101% आपका बच्चा सक्सेस होगा। मैं आपको ना मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, बड़ी अच्छी सी। आपने कभी अपना अंगूठा देखा है? अंगूठा देखा है आपने? ये इसका जो फिंगरप्रिंट है ना, ये पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, इंडिया में, विदेशों में, जितने भी, किसी का नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि भगवान ने देखो कितनी छोटी चीज़ बनाने में गलती नहीं की है, तो भगवान ने आपके साथ भी गलती नहीं की है। बस आपकी मेहनत का वेट कर रहा है भगवान, आपको वो सब देगा जो आपने सपने सजाए होंगे, बस आपको मेहनत करनी है। चलो, थैंक यू वेरी मच।